देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि सीबीआई ही सीबीआई पर छापे मारी कर रही है। परत दर परत राज से पर्दा उठाने वाले सीबीआई के अधिकारियों की ही परत दर परत राज खुलते जा रहे हैं। इस मामले में कई अहम चेहरे सामने आए हैं, तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको सीबीआई के डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बारे में बताएंगे, जो 1984 बेंच के गुजरात कैडर के आईपीएस हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर देश के इतने बड़े पद पर बैठकर आखिर कैसे कोई अधिकारी चंद रुपयों के लिए अपनी वर्दी पर दाग लगा सकता है। आपको बता दें कि राकेश अस्थाना 1984 में ही गुजरात कैडर से आईपीएस चुने गए थे। सबसे पहले सुर्खियों में अस्थाना उस वक्त आए जब उन्होंने चारा घोटाला में लालू यादव को गिरफ्तार किया था। दूसरी बार जब साल 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था, तब अस्थाना के ही हाथों में एसआईटी जांच आई थी। इसके अलावा वो अहमदाबाद ब्लास्ट और आसाराम केस जैसे तमाम चर्चित मामलों की जांच में शामिल रहे हैं। राकेश अस्थाना को पीएम मोदी और अमित शाह का बहुत ही करीबी माना जाता है। एसपीएन न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।